अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी वीडियो लाइव बना रहा हूँ। मैं हूँ मेजर नदीम डार। मेरा तमाम पाकिस्तानी को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके बारे में है, और मेरे तमाम पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट भी है, पाकिस्तान के जो हालात है जानबूझ के इनको ख़राब किया जा रहा है। डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, रियलिटी से आपको दूर लेके जाया जा रहा है, आपस में आपको लड़वाने की तरीके अपनाए जा रहे हैं कि कैसे आपको लड़ाना है आपस में। मौलाना को कहना तो बहरहाल बहुत अजीब लगता है। फजलुर रहमान, जिसका दूर दूर तक किसी मज़हब से ताल्लुक नहीं है लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कहता है, आज उसके बयान देखे कि मैं वहाँ भी जाऊँगा, मैं वहाँ भी जाऊँगा। इंसान इससे पूछे कि इससे बड़ा कोई मुनाफिक शख्स मौजूद है जो करप्ट लोगों के साथ बैठा है, बेईमान लोगों के साथ बैठा है और बात करता है इस्लाम की और दीन की और ईमानदारी की और तकवे की। इस शख्स के अंदर ना तो तकवा है, ना इस शख्स के अंदर कोई इंसानियत है, ना ही इस शख्स के अंदर वो जो एक पहलू होता है कि नेकी का, वो भी नहीं है। किसी ने इसका जो नाम डीजल रखा है वो बिल्कुल सही रखा है कि ये डीजल, आपको पता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, स्लो बर्निंग होता है, लेकिन जब आग पकड़ता है तो बहुत ज़्यादा पकड़ता है। सेम इसकी कहानी ऐसा ही है कि जब खामोश बैठा होगा, कोई भी काम ऐसा जो दूसरे पॉलिटिशियंस कर रहे होंगे, ये खामोशी से अपनी लस्सी पी रहा होगा या अपने गलत कार्यां कर रहा होगा, और उस वक्त तक खामोश रहेगा जब तक इसकी टैंकी फिल ना कर दी जाए। पॉलिटिशियन इसकी टैंकी फिल करते हैं और ये चल पड़ता है। ये याद रखिएगा, इसने आज तक पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसके लिए कुछ नहीं किया। कश्मीर कमेटी का इंचार्ज रहा, आज तक इसने कश्मीर के लिए एक काम भी नहीं किया। और क्लेम इसके देखें कितने कितने बड़े हैं। इसको इस्लाम से नहीं, इसको इस्लामाबाद से गर्व है। यह है जवाब आज जो फजल रहमान ने अपना बयान जारी किया है, हम उधर भी जाएंगे, हम उधर भी जाएंगे। और इमरान खान के बारे में इस गलीज आदमी ने एक बात की कि मैं उसकी ज़ाती करेक्टर की बात नहीं करता। मैं मौलाना फजल रहमान तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारे मदरसों में क्या मौलवी बच्चों के साथ क्या करते हैं, फिर उसके बाद वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारे जैसे मौलवी बन जाते हैं, फिर तुम लोग उनके साथ क्या करते हो। अपनी शक्ल देखो, अपने किरदार देखो, अपनी हरकतें देखो। जैसे तुम थे वैसे ही तुमने अपने बाप के साथ किया। मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा अपने इस वीडियो के थ्रू कि अगर तुम में थोड़ी सी भी इस्लाम की इज्जत होती तो कम से कम झूठों, फरेबियों, फ्रॉडियों के साथ ना तो तू हरकतें करता, ना यानी कि उनके साथ चोरी मिल करता या इस मुल्क को नुकसान पहुँचाता। आज अभी जो ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ फजलुर रहमान के लिए लाइव की है ताकि इस गलीज आदमी को पता चल सके कि याद रख, तेरा वक्त दूर नहीं है, तेरा वक्त पूरा हो चुका। तूने इस कौम को बहुत धोखा दे दिया, तूने इस मासूम गरीब लोगों के बच्चे जो मदरसों में कुरान पढ़ने के लिए आते हैं उनको तूने कैसे मिसयूज़ किया, कैसे अब्यूज़ किया, और इवन तुम्हारे मौलवी फतवा भी देते हैं कि इन बच्चों के साथ बदफेली करना भी जायज़ है। लानत है तुम लोगों पे, लानत है तुझ पर लोगों पे। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा तआला तुझे गर्क करे। तुमने जो इस तरह के गलीज हरकतें शुरू कर दी हैं, तुम्हारा इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। सीधी सी बात है कि मेरे पाकिस्तान के लोगों की जान छोड़ दो, जो करप्ट लोगों के साथ मिल के तुम काम कर रहे हो। वक्त बहुत दूर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की अबाबिले रास्ते में है और तुम्हें इंशाअल्लाह ताला ले डूबेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।